बच्चों के मामूली विवाद ने एक परिवार में इतना हिंसक रूप ले लिया कि रिश्ते ही तार तार हो गए। आरोप है कि छोटी गोतनी और उसके पति ने मिलकर बड़ी गोतनी की हत्या कर दी। घटना गिरिडीह के पचम्बा थाना इलाका क्षेत्र के रानी खावा की है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पचम्बा थाना प्रभारी सदल बल रानी खावा पहुंचे और मृतका के पति पूरण मंडल के आवेदन पर केस दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार हत्या का कारण घर में लगा एक नल बना। शुक्रवार की रात सुमित्रा देवी और उसके पति रमेश मंडल ने कुंती के पोते पर उसके घर का नल तोड़ने का आरोप लगाया और झगड़ा करने लगे। झगड़े के दरमियान ही छोटी गोतनी सुमित्रा ने मृतका कुंती देवी को धक्का मार दिया, जिससे वो पीसीसी सड़क पर गिर गए और घायल हो गई। जब तक उसका इलाज होता तब तक कुंती की जान जा चुकी थी। मारपीट में गंभीर चोट लगने से मौके पर ही कुंती की मौत हो गई। गिर दिया था घर को तैयारी है हमारा, वो जो लड़ झगड़ा हुआ ना वो तो लगा। पावा में कल एक विवाद हुआ था जिसमें एक बच्चा जो है नल तोड़ दिया था, उसी को लेकर दो विवाद हुआ और विवाद फिर दो महिलाओं के बीच हुई, जिसमें एक सुमित्रा देवी और कुंती देवी के बीच विवाद हुई, जिसमें सुमित्रा देवी के द्वारा धक्का दे दिया गया, जिससे कुंती देवी जो है जिसकी उम्र करीब 68 वर्ष थी उनके गिर गई और गिरने के बाद उनका सांस रुक गया और जिससे उनकी मृत्यु हो गई। संबंध में आवेदन प्राप्त हुआ है, इस पर कार्रवाई की जाए।